बच्चों का रात को बिस्तर गीला करना वेट वेटिंग कहलाता है और इसको हमारी ज़बान में हम नॉक्चुरल एन्यूरेसिस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत दो तरीके से होता है। एक हम पेशेंट को जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाते हैं और दूसरा इसमें हम दवाइयाँ देते हैं। दोनों चीज़ों से जो है बच्चों का बेड वेटिंग बहुत हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों का रात को बिस्तर गीला करना एक उम्र तक नॉर्मल होता है, जिसको जब तक बच्चा पॉटी ट्रेन ना हो। जब बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाता है तो उसके अंदर ये सेंस आ जाता है कि जब भी उसको हाजत होगी पेशाब की या पॉटी की उसने वॉशरूम जाना है। उस अरसे के बाद अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है तो एक दो बार तो हम इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं, पर अगर हर रात एक टाइम पे बिस्तर गीला कर रहा है या मतलब एक बड़ी उम्र तक बच्चा ये काम कर रहा है तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इसके लिए आपको उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। बच्चों का ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नॉर्मली बच्चा 2 साल से 3 साल की उम्र में पॉटी ट्रेन हो जाता है। उसके बाद अगर बच्चे को ये मसला हो तो ये एक प्रॉब्लम कहलाएगा और इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से जब बच्चा 14-15 साल की उम्र तक होता है फिर हमारे पास आता है कि ये रात को बिस्तर गीला कर रहा है। उस वक्त ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, पर अगर इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए और चीज़ का पहले ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस में ट्रीटेबल है। बच्चों का बिस्तर गीला करना एक आदत है तो ये पेशाब के रास्ते पे ही ज़्यादातर अफेक्ट करता है, क्योंकि जब रात को बच्चा सोता है तो उसका दिमाग भी सोता है, उसके अंदर ये सेंस डेवलप नहीं हुआ हुआ होता कि जब पेशाब की हाजत है तो हमें उठना है। तो ये एक आदत है जिसको दिमाग के ज़रिए हमें बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है। शुरू में तो बच्चे जो है एक उम्र तक बच्चों को इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, यानी कि 8-9 साल की उम्र तक बच्चा अपनी मौजों मस्तियों में होता है तो उसको ये बात अफेक्ट नहीं करती। पर अगर बच्चा आपका टीनेज में है, यानी कि 13 से लेके 15-16 ईयर्स की उम्र तक है, तो ऑब्वियसली उस बच्चे को अपने आप में शर्म आएगी ये बताते हुए भी कि वो रात को बिस्तर गीला कर रहा है। और शायद यही वजह है कि बहुत लेट डायग्नोसिस हो रहा है कुछ बच्चों के साथ। और अगर बच्चा बड़ा हो गया और ये मसला है तो ऑब्वियसली उसको मेंटल और फिज़िकल दोनों अफेक्ट आएंगे, और इस चीज़ के लिए फिर उसका जब इलाज होगा तो भी उसको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एंड लॉन्ग टर्म अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। एक्चुअली जो बेड वेटिंग का मसला है ये जो है हमारे दिमाग को ट्रेन करने वाली कहानी है, तो इस चीज़ में सर्जरी का कोई रोल नहीं है। इस चीज़ में हमें अपने दिमाग को एक साइकिल बनानी होगी जिससे हमारा दिमाग ट्रेन हो। ये ट्रेनिंग प्रोसेस है और इसका सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे तो वी कैन ट्रीट इट बेटर। ये यकीनी तौर पे बात नहीं है कि अगर एक भाई को या एक बहन को ये मसला है तो दूसरे बच्चों को भी होगा, पर देखा जाता है कभी कभी इस तरह भी होता है कि भाई बहन और या भाई भाई या बहन बहन भी इस मसले के साथ हमारे सामने प्रेजेंट हुए हैं। और उसमें मैं कहूँगी कि ये जीन मैटर नहीं है, ये हमारी मतलब कि माओं का या हमारी फैमिली का ला इल्मी है कि वो बच्चों को इस तरह ट्रेन नहीं कर पाए, या उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों को इस उम्र में अगर वो बिस्तर गीला कर रहे हैं तो वो ये नॉर्मल नहीं है। तो ये जो है अवेयरनेस का इशू है, पर नॉर्मली ये जीन टू जीन ट्रांसफ़र नहीं होता।